हेलो एवरीवन, होप सो डूइंग ग्रेट। आज के इस 5 मिनट की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक नोटिस राइटिंग। नोटिस क्या होता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आपको देखने मिलता है, चाहे आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं या फिर 12th में हैं। नोटिस के लिए हमने एक वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है जो था हमारा हाउ टू राइट अ नोटिस। अगर देखो आपको किसी भी चीज का एक फॉर्मेट पता चल जाता है तो इट्स वेरी इजी फॉर यू, यू मे मेक ऑल टाइप्स ऑफ नोटिस इजिली। सो इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। सो माई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज गो टू अवर यूट्यूब चैनल आरजू इंस्टीट्यूट एंड वॉच ऑल द वीडियोज ऑफ योर एग्जामिनेशन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, अच्छे से अगर आप लोगों ने रीड कर लिया तो सब कुछ समझ आ जाएगा। यू योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल ट्रिप टू पंचमणी इन मध्य प्रदेश। आपको पता होगा पंचमणी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश का क्या है, हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन कौन सा है, पंचमणी। ठीक है, तो ट्रिप वहीं के लिए बनेगा। तो योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशन ट्रिप टू पंचमणी मध्य प्रदेश। ओके, राइट अ नोटिस, ये समझ में आ गया। नोटिस बनाना है, टू बी पुट इन योर स्कूल इंफॉर्मेशन द स्टूडेंट अबाउट द ट्रिप। आपको क्या करना है, एक नोटिस क्रिएट करना है जिसमें आप अपना क्या बताएंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे स्कूल की कि भैया कब आना है, किस तारीख को जाना है, ये सब चीजें। अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज बताया हुआ था। मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ था, ध्यान देंगे थोड़ा सा। मैंने आपको बताया हुआ था कि कैसे हम लोग हमारे नोटिस को लिखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो होता है हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन, क्या बताते हैं हम लोग दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बाद में हम लोग क्या लिखते हैं यहां पर कैपिटल लेटर्स में, नोटिस। क्या लिखते हैं, नोटिस। ओके, नोटिस के लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं हमारे पास में डेट, आपको याद होगा। डेट के बाद में हम लोग क्या लिखते हैं यहां पर हमारा सब्जेक्ट, या मैं इसको बोल सकता हूँ हेडलाइन। क्या बोल सकता हूँ मैं इसे, हेडलाइन। उसके बाद में आप लोग लिखना स्टार्ट करते हो आपका बॉडी। ठीक है, अब ये बॉडी क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कुछ आंसर्स देते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु और आपका हुम, ये सब आंसर देते हैं। राइट, इतना समझ में आया। उसके बाद में इन द लास्ट हम लोग लिखते हैं आपका सिग्नेचर, फिर आप लोगों का लिख सकते हो आप लोग नेम। ठीक, तो इतनी चीजें, आप अगर किसी भी बेसिक नोटिस का ये फॉर्मेट है, यही मैंने उस वीडियो में भी बताया हुआ है, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो इस नोटिस के फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम बना देते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है देखते चलो। आपका ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, आप लोगों का देखो ऑर्गेनाइजेशन है आपका नेम ऑफ द स्कूल या प्लेस, मैंने बताया ना। अब आपके यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं दिया तो आप कुछ भी डाल सकते हो, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, या फिर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल एक्स वाई जेड, या फिर गवर्नमेंट एक्सलेंट स्कूल, ऐसा कुछ भी। देन हम लोग लिखेंगे नोटिस, और जो ये नोटिस रहेगा ये पूरा कैपिटल लेटर्स में रहेगा। अब फॉर्मेट की याद रखिए, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो एजुकेशनल ट्रिप लिखा हुआ है ये आपका सब्जेक्ट है, और इसी सब्जेक्ट को आपको क्या करना है दोस्तों, इसको आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। क्या करना है, इस सब्जेक्ट को आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है पूरा। ओके, अब आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखना होगा डेट, तो आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे मैं लिख देता हूँ 16/12/2022। ओके, दिस इज द इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल ट्रिप टू पचमढ़ी इन मध्य प्रदेश। ये तो बात आपको क्वेश्चन में ही बता दिया था, क्वेश्चन ही का एक पॉइंट मिल गया, बॉडी में व्हाट का आंसर आप लोगों को मिल गया। अब व्हेन बताएंगे, कब हो रहा है, 12/5/2019। आप देखो एक बात समझ रहे हैं, यहाँ पर छोटी सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम डेट लिखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 12/5/2019। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे एक महीने पहले की या कुछ दिनों के पहले की डेट डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10/4/2019, क्योंकि जिस तारीख को नोटिस जारी होता है उससे कुछ दिनों के बाद में वो इवेंट कंप्लीट होता है, उसके पहले इवेंट नहीं होता है।
तो हमने क्या देखा कि इन्फॉर्म किया जा रहा है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन ट्रिप के लिए जो कहाँ का है, पंचमणी का है, कब होने वाला है, 12/5/2019 को। ऑल द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी, दोस्त, यू आर इंटरेस्टेड आर सपोज टू गिव देयर नेम टू रेस्पेक्टिव क्लास टीचर। अगर जो भी स्टूडेंट जाने में इच्छुक हैं, ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट, दोस्त, यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आर सपोज टू गिव योर नेम, आप अपना नाम सपोज कर सकते हो किसको, अपने रिस्पेक्टिव क्लास टीचर को, कब कर सकते हैं, ऑन बिफोर 9/5/2009, ओके 9/5/2009 तक आप इस डेट तक अपने क्लास टीचर को दे देंगे, उसके बाद में एंट्री क्लोज हो जाएगी। फिर 12/5 को हमारा क्या इवेंट है, यानी कि एजुकेशनल ट्रिप है, हमने 10/4/2019 को अपना नोटिस जारी किया। अब फैकल्टी नेम, अब ये फैकल्टी नेम क्या होगा, इवेंट इन चार्ज, तो इवेंट में जो चार्ज करेगा यानी कि बोले तो इवेंट को जो ऑपरेट करेगा उसका नाम, जैसे मान लीजिए हम अपना नाम लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये तो इस टाइप से आप लोगों का क्या हो गया, ये पूरा नोटिस बन गया। आप नीचे सिग्नेचर भी कर सकते हैं ऐसे इस टाइप से, जैसे कुछ भी सिग्नेचर कर दिया, तो ये आपका पूरे का पूरा क्या बन गया, नोटिस बन गया। नोटिस को एक बोर्ड के अंदर लिखा जाता है, यानी कि आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है, देन रेक्टेंगल नहीं आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, और उसके अंदर आपको नोटिस लिखना होता है। सो आई होप डियर कि आप लोगों को ये नोटिस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।